देखिए लगातार बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में एक के बाद एक खुलासा हो रही है, लेकिन बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए साफ तौर से आर्थिक अपराध इकाई से बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक हुई है तो आर्थिक अपराध इकाई को ठोस सबूत जुटाना होगा, ठोस सबूत बीपीएससी को देना होगा। जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, पटना में गिरफ्तारी के बाद हजारीबाग लिंक मिलती है उसके आधार पर छापेमारी होती है, हजारीबाग से छापेमारी में कई अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जाता है जिसके बाद न्यायिक हिरासत से जेल भेजा जाता है। अब इसमें जिस तरीके से लैपटॉप और पेन ड्राइव का जो खेला चल रहा था कि क्वेश्चन पेपर लैपटॉप से पेन ड्राइव में लिया गया, तमाम तरह की बातें सामने आ रही है। इस तमाम तरह की बातों में बीपीएससी ने क्या कुछ नोटिफिकेशन जारी किया है, जरा देखिए इस खबर। बीपीएससी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए साफ तौर से लिख दिया, दिनांक 15/3/2024 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अध्यापक परीक्षा भर्ती TRE 3.0 के प्रश्न पत्र के कथित रूप से लीक होने के संबंध में दिनांक 16/3/2024 को आर्थिक एवं साइबर अपराध विभाग बिहार पटना द्वारा प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन पर आयोग द्वारा की गई समीक्षा के क्रम में यह बात सामने आई है कि दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में मानक साक्ष्य उक्त प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं है। कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में आर्थिक एवं साइबर अपराध विभाग द्वारा विशेष टीम गठित कर दिनांक 15/3/2024 को प्रातः सुबह यानी सुबह 5 बजे ही हजारीबाग स्थित कई स्थानों पर छापेमारी कर उत्तर रटने हेतु सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित होने एवं छापेमारी के क्रम में मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि बरामद होने की सूचना प्रतिवेदित की गई है। आयोग को प्रश्न पत्र लीक होने के संबंध में प्रथम सूचना दिनांक 15/3/2024 को दोपहर 2:30 बजे तक उपलब्ध कराई गई। उसके पूर्व 12 बजे प्रथम पाली की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी और द्वितीय पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे प्रारंभ हो गई थी। कथित प्रश्न पत्र लीक का मामला आर्थिक अपराध इकाई द्वारा अनुसंधानकर्ता आयोग परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक होने के संबंधित ठोस साक्ष्य की मांग आर्थिक अपराध इकाई से की गई है। ठोस साक्ष्य एवं वंचित सूचनाएं प्राप्त होने पर समीक्षा की जाएगी। शिक्षा भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण यानी TRE 3.0 हेतु दिनांक 15/3/2024 को आयोजित परीक्षा के संबंध में आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा।